बहुत ही कम तेल में और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाएंगे आज बेसन का। वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर मैंने डाल दिया है बेसन, उसके बाद यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर और फिर थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पर फिर मैंने डाल दी है हरी मिर्च, आप तीखा अगर और चाहते हैं तो आप थोड़ा और ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने डाला फिर हरा धनिया, उसके बाद जीरा, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, नमक। ये खाने में बहुत अच्छा होता है और इसमें मतलब बहुत कम ऑयल यूज़ करके बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर आप पानी डालें और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें और इसका जो है पतला सा एक बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपको आगे वीडियो में देख रही है कैसी है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है और इसको लगभग 2-3 मिनट के लिए आप ऐसे रख दें। फिर हमने यहाँ पर तवे पर जो है तेल लगा दिया है और बिल्कुल डोसा बनाने के जैसा हम बैटर को चलाते हैं वैसे ही डालकर इसको आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाला, हल्के हाथ से आपको इसको सेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसको लोग बेसन का उल्टा भी बोलते हैं और बेसन का चीला भी बोलते हैं, तो ये नाश्ता बहुत हेल्दी रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में आपका फेवरेट जो है ब्रेकफास्ट कौन सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उससे मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उसे ट्राई करूँगी। तो इवनिंग में बनाएं, मॉर्निंग में बनाएं, ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों साइड से इसको अच्छे से टर्न करके आप पका दें। थोड़ा सा ऑयल डालते रहें, इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और अच्छा दिख रहा है। ये लगभग 5 मिनट में मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक जाता है। तो ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, इसको आप प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लें। इसी तरह से बाकी का भी हम जो है बेसन का चीला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी बना लिया है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल हमारा गर्मा गर्म हेल्दी बेसन का जो है नाश्ता तैयार है, चटनी के साथ सर्व करें। टमाटर की चटनी है इसलिए कलर थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, टमाटर की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। टमाटर पुदीने की चटनी बनाओ और देखिए कितना सॉफ्ट है, इस खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा नाश्ता तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप बहुत हेल्दी और अच्छा नाश्ता ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।